तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सो के उठ गए थे और आज हम जा रहे हैं पहले सुबह ब्रेकफास्ट करने, और हमें जाना है अभी तो नए नहीं है, मतलब ऐसे निकले हैं, ब्रेकफास्ट करने जाना है। और हम जाएंगे मीना बाज़ार जा रहे हैं, पहले फ़ोन के रेट पता करने, अगर पसंद आया मतलब सही लगा रेट वेट तो ले भी आएंगे, ठीक है। और फिर शाम को हमने बुक किया आज का डिनर लैंड क्रूज पे, बताऊं भी दो क्रूज पर डिनर है, तो वहाँ जाना है हमने, कितने 7:30 बजे वहाँ पहुँचना है हमने, तो आज रात का वो प्लान है। तो आगे बने रहे व्लॉग में, चलो वही निकल चुके हैं अपना। आज कुछ साउथ इंडियन नहीं खाएंगे, आज कुछ और देखते हैं। मीना बाजार में हो गया पेट में, इंडियन और भी है स्टूडेंट्स, छोले भटूरे खाने का मन है, छोले भटूरे खाएंगे आज। नहीं मैं नहीं खाती, देखते हैं, नॉनवेज तो खाना नहीं ट्यूसडे आज। तो आज हमारा फिर डिनर जो है वो कोई वेज कर लेंगे, कोई नहीं चलते हैं यहाँ से। मैं सुबह सुबह देखो कितने खाली रोड हो रखी है, खाली पड़ा है, कटिंग भी करानी है कल, कटिंग भी कहाँ पे शॉप उसकी बार-बार की यही है ना, ना ये तो रेस्ट है, यहीं पर एक शॉप थी, कटिंग भी कराने आना है यार, वही कराएंगे। अरे सुपर मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से हम सामान लेके जाते रहते हैं। पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ना हमारे पास नेट है, ना कुछ, ना वाईफाई मिल रहा है कोई, तो पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, ना ओला कैब ये बुक नहीं की अपने होटल से निकलते टाइम, वैसे ही जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट है, सुपर मार्केट है, ये रहा ना सलून अलमदीना। तो गाइस आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने, ये ब्रेक तो रेस्टोरेंट से था, इंडियन रेस्टोरेंट है, ये दिख गया था, और उनको खाने का मन था पराठे, इनको पराठे खाने का मन था, पराठे ऑर्डर किए अभी, भिंडी भी और ना भिंडी बुंडी नहीं खानी, घर पे भिंडी खाते और अभी खाते हैं, फिर यहीं से सीधा रास्ता है मीना बाज़ार का, मीना बाज़ार चलेंगे। अरे यहाँ कितना मस्त हो रहा है, बाहर शूटिंग कर रही है। भिंडी का पराठे आ गए हैं, एक पराठा और आ रहा है, ये देखो आते ही चालू हो गई है, अब यहाँ बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट, यहाँ नहीं होती ग्रीन चटनी की। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया था और अपना जा रहे हैं यहाँ से मीना बाज़ार, और ये देखो यहाँ गोल्ड, ये पहले आती है गोल्ड की मार्केट है सारी, ये पुलिस वाले कैसे देख रहे थे ना हमें, है ना, ये सब ने पता नहीं क्या कर दिया। और ये देखो भाई ये कौन सी गाड़ी, लैम्बर की नहीं, हाँ भी ये तो सही है यार हैं, अब भाई अब कोई ना कहते भाई गलत गाड़ी का नाम ले दिया। तो भाई पैदल पैदल जा रहे हैं, 2-3 मिनट का रास्ता है मीना बाज़ार का, वहाँ पर फोन वगैरह मैंने बोलेंगे, तो सारी मार्केट है यहाँ पे डॉग, और जो आज हमने खाना खाया ना मतलब पूरा इंडियन था, वेज था, पराठे खाए मस्त पराठे थे, 3 पराठे खा गई मोटी। तो चलते हैं पैदल पैदल, ये देखो भाई 2-door Jeep Wrangler, ये मीना बाज़ार आ गए थे, फ़ोन के रेट पता किए हैं एक दो जगह पे, बट यहाँ पे मेरे पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, अगर फ़ोन करके कुछ पूछना है वो पूछते हैं। और एक मिनट यहाँ पे भी पूछते हैं, वही आ गए थे शॉप पे, चलते हैं ड्रीम सिटी, यहाँ पे रेट वेट पता करते हैं क्या रेट पड़ रहा है, क्योंकि पीछे तो अनाप शनाप रेट है, किसी शॉप पे क्या है किसी शॉप पे क्या है। तो भैया शॉप पे रेट पता कर लिए, कहीं पर तो इतने रेट कम है और कहीं पर इतने रेट ज़्यादा हो रखे हैं, तो अभी हमने जो लेने थे कल बताएंगे हमें, और एक सैमसंग का पता करना है, सैमसंग का फोल्ड पता करना है कितने का पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर तो है नहीं कई शॉप्स पर, और आईफोन है फ़र्क पड़ रहा है, 20-25 हज़ार का फ़र्क है 14 प्रो में, और US और जापान में मतलब 10-10 हज़ार का फ़र्क है US और जापान वाले में, तो एक बार चलते हैं और सैमसंग का पता कर लेते हैं लास्ट,
आई वॉच तो हमने देख लिया, और एक कैमरे का लेंस लेना था वो भी देख लिया, वो कल परसों उठा लेंगे, नहीं तो संभाल लेंगे कहाँ, उसको रूम में पड़ा रहेगा, कल परसों आके जब जाने वाले होंगे तो आके वो भी ले लेंगे। और बहुत बड़ी मार्केट है, हाँ थर्सडे को उठा लेंगे, और बहुत बड़ी मार्केट बना रखी है ना। और भी मेरे को फ़ोन का कवर लेना है, मेरा फ़ोन चल लो अभी तो कर रहा हूँ, वो 13 प्रो का है, 13 प्रो का है, तो चलते हैं अगर भाई। ये वाला सेम जो हमने वहाँ पे भी हमारे होटल के पास, ये सरवना भवन साउथ इंडियन है, कल हमने यहाँ से तो दो दिन, हाँ ठीक, और काफ़ी अच्छा है यहाँ का, मतलब स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, गए थे इधर भी। तो अब चलते हैं भाई पैदल पैदल होटल, तो वहाँ जाके हमें निकलेंगे बीच के लिए डोक्रूज। तो बहुत सही मार्केट है भाई, मतलब क्राउड भी है और बहुत सही बना हुआ है। तो भाई यहाँ से मीना बाजार से वापसी अपना पैदल पैदल होटल, 10 से 10 मिनट की वॉक है, 10 से 15 मिनट की वॉक है। पराठे परूठे जो खाए थे सब नीचे, तेरी और भूख लग रही है, खाती रहेगी कल भी नहीं खाया है। गाड़ियाँ तो चली जाती है ना, तो भाई पैदल पैदल जा रहे हैं होटल, वहाँ जाके जल्दी से नहा के अपना रेडी होके बीच। सो गाइस मार्केट से आके सो गए थे और सो के उठा, टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, नहाते हैं जल्दी, ये तो रेडी हो गई हैं, मैं नहाता हूँ और रेडी होता हूँ, जाना हमने आज बीच पे, बहुत सर दर्द हो रहा था इसलिए सो गया था, गला भी सारा बैठा हुआ है, नहाने जाते हैं जल्दी, अभी भी नींद आ रही है। सो भाई निकल गए हैं बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन के लिए, वहाँ से मेट्रो लेंगे, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता भी, तो यहाँ से भी थोड़ा सा दूर है, 5-10 मिनट का वॉकिंग है बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन, बट ये है कि हमारे होटल से जितने मेट्रो स्टेशन है सिर्फ डीजी और बुर्जुमन, सारे मेट्रो स्टेशन पास ही है, मतलब यहाँ से अगर 5-10 मिनट की वॉक करेंगे सिर्फ डीजी आ जाता है, 5-10 मिनट की लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक करेंगे तो बुर्जुमन आ जाता है, मिडिल में हमें एकदम सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ पास में, तो ये चीज़ हमने सही किया। और अब यहाँ से जाएंगे वॉक करते करते, फिर वहाँ से मेट्रो, मेट्रो से फिर 1/2 किलोमीटर पैदल चलना होगा, फिर डायरेक्ट वहाँ से मरीना मॉल, फिर वहाँ से हमारा पिकअप है, क्योंकि आज हमने इनसे बात की पिकअप एंड ड्रॉप की, तो कह रहे हैं कि हमारे पास आज के लिए पिकअप एंड ड्रॉप होता ही नहीं है, है ही नहीं सर्विस, तो पैदल पैदल जा रहे हैं। टैक्सी का देखा था, टैक्सी कितने 230 dirhams फॉर 25 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा था तो इसलिए टैक्सी हमने की नहीं, तो जा रहे हैं ऐसे पैदल पैदल। तो भाई सुबह बस एक ब्रेकफास्ट किया था हमने, ब्रेकफास्ट में ब्रंच था 12-1 बजे, तो शाम को 6 बज गए तो भूख लग रही थी, एक गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे कचौड़ी, तो ये खाते हैं और फिर चलते हैं, बहुत सारा पानी है ना, ये भी नहीं ख़त्म कर पाओगे आप, खाते हैं, पास में मेट्रो स्टेशन है चलते हैं। मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे, उस दिन तो बहुत भीड़ थी मेट्रो में, तो आज हमने लिया गोल्ड पास, गोल्ड पास लिए। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि मेट्रो में ना यहाँ पे कभी भी ना, मतलब हर मेट्रो में हम तो एक बार ट्रैवल किया है, चेकिंग के लिए आए थे कि टिकट दिखाओ, टिकट दोबारा स्कैन होती है मेट्रो में के अंदर ही, लास्ट टाइम एक लेडी आई थी, उनकी मशीन होती है, डायरेक्ट टच करते रहते हैं कार्ड्स को और उनका अपना टिकट चेक करते हैं। तो आज अपने एक गोल्ड पास लिए, डबल से भी ज़्यादा का पड़ा है बट सही है, मेट्रो में बैठने की जगह मिल जाएगी, 1 घंटे का रास्ता मेट्रो में, चलो। और यहाँ का मेट्रो देखो, भाई देखो ये गोल्ड क्लास के लिए ना अलग से बना रखा है इन्होंने केबिन, और ये मेट्रो का, तो
समझो। एक्सक्यूज मी, भाई ये गोल्ड क्लास और गोल्ड क्लास में देखो आगे मेट्रो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, तो फर्स्ट बॉक्स होता है ट्रेन मेट्रो का और यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करते हैं। और ये फ्यूचर में है दुबई। The next station is Emirates Towers। मस्त व्यू है भाई यहाँ पे आके, फिर गोल्ड क्लास का ऐसे वसूल। ये दुबई म्यूजियम, ओ सॉरी फ्यूचर म्यूजियम। The next station is Emirates Towers। अगले भाई मेट्रो से उतर गए थे, एक घंटे का रास्ता था मेट्रो पे, और अब यहाँ से जाना है हमें मरीना, दुबई मरीना सीधा। एक मिनट से एग्जिट है यहाँ पे, ऊपर से रोड क्रॉस करने के लिए ना ये बना रहा है, बहुत सही है। आ जाओ, इतने हील्स पहन लेते हैं, हील्स पहनने का चला बिन जाता है इनसे भाई। फाइनली 10-15 मिनट की वॉक के बाद आप पहुंच गए हैं क्रूज के पास, ये मरीना बीच, यही है ना मरीना बीच, वैसे अभी आगे बीच तो, और वहीं से हमारा बोर्डिंग है। सही है, पैर से अंदर है, आ जाओ उधर ही, और यहाँ से बोर्डिंग करके फिर चलेंगे, उनसे मिलते हैं जो जिनसे हमने बुकिंग कराई है ना, तो उनसे मिलते हैं। भाई आ गए थे हम, देखो वेटिंग कितनी लंबी लगी हुई है, वेटिंग देख लाइन देखो कितनी लंबी है। अभी यहाँ पे 7:30 का टाइम था, तो 7:29 है, 7:30 बोर्डिंग स्टार्ट हुई, और जिसमें हमें जाना है वो ये रेड है, ये क्रूज है, आपको दिखाएंगे अभी सारा व्यू, देखो यहाँ का। भाई हम एंट्री हो गई है और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। हाँ मोटी कैसे लग रहा है? भूख लग रही है, भूख लग रही है, मैं ये फाड़ते हैं जो मिले। मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर टॉप की है हमारी, कहाँ मिडिल की है, प्रीमियम है, देखो कहाँ कौन कहाँ का मिलता है, हमें एंट्री करते हैं। तो भाई अपने बोर्डिंग पास मिल गया था और यहाँ से एंट्री हुई है। भाई अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर, टॉप पे यहाँ पे वो सीट मिल जाए हमें जो हमें चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या छूट सकते
हमें सीट तो चाहिए थी साइड की, बट टू पर्सन के लिए पहले फुल हो गई थी, तो वो है बीच में सेंटर में मिली है सीट। और देखो व्यू, भाई आज का पैसे वसूल है, एकदम वसूल। बढ़िया, अभी तो क्रूज स्टार्ट होगा, शायद क्रूज आगे भी जाएगा ना, तो 8:30 भी जाएंगे आगे, फिर दिखाते हैं आपको 8:30। तो भाई डिनर स्टार्ट हो गया, वैसे डिनर सर्व करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं डिनर। आज ट्यूजडे हमें तो वेज ही खाना है, वेज ही लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या खाने में एक बार वेज में। अपना ब्रेकफास्ट डिनर आ चुका है, लग रही है यार बर्गर, पता नहीं क्या क्या था पास्ता वास्ता, डिनर लेते हैं ट्यूजडे के चक्कर में, हम ट्यूजडे के चक्कर में आ तो बटर चिकन सब कुछ है, कुछ नहीं खा पा रहे, कोई नहीं, पर ट्यूजडे पहले ठीक है भाई खाते हैं फिर चलेंगे। तो भाई ये क्रूज चल चुका है, स्लो स्लो चल रहा है, डिनर चल रहा है ना, बहुत सही है भाई बहुत। अपने जैकेट पहनी है, मेरी तो बुरी हालत हो रही है, बस अब नीचे चल के बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, नीचे कवर्ड है और खाना भी बार बार नीचे से ऊपर लेके आना पड़ रहा है। ऊपर तो हवा चल रही है, हम लोग आ गए नीचे, और ये देखो सब बढ़िया सीन है, यहाँ देख के डर भी लग रहा है नीचे तो। डिनर हो गया था अपना, ये कॉफ़ी आइसक्रीम डेजर्ट वगैरह चल रहा है और ऊपर चल रहा है बेली डांस, बेली डांस हमने कल भी देख लिया था। नीचे आ गए, नीचे थोड़ा सही है यार, ऊपर बहुत गर्मी हो रही थी, ऊपर बहुत ठंड लग रही थी, क्या कह रहे हो है? मेरा तो आता है, हाँ मेरे को आता है, बहुत ढंग से आता है, देख नहीं पाएंगे। Oh.
भाई निकल गए थे हम यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट है, इधर से आ जाओ, इधर से एग्जिट है हमारा। और ये तो बोट क्रूज, यहाँ से एग्जिट करते हैं, देखते हैं कैब करते हैं, मेट्रो देखते हैं, अगर मेट्रो दूर हुई तो कैब ही कर लेंगे। चलो भाई कैब बुक कर ली थी और कैब में अपना निकल चुके हैं हम होटल के, और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है होटल, होटल पहुँच के अभी तो ब्लॉग एडिट करना ही होगा, अपलोडिंग पे लगाना है, क्योंकि अपने जो होटल की नेट की स्पीड है बहुत स्लो है, तो पूरी रात लगाना पड़ता है। रात को इसे मैं 12 बजे लगा देता हूँ, आज लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, एडिट भी करना है, सब कुछ करना है, तो अभी चलते हैं, मिलते हैं होटल पहुँच के आपसे। तो भाई अपना आ गए थे होटल में, अपना चेंज वेंज करते हैं और अब सोएंगे, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। ओके, गुड नाइट।